हाल ही में हमने कराची के देखा कि फ्लडिंग जो है, जो काफी टाइम से लोग वार्निंग दे रहे हैं कि होगा, लेकिन इस दफा जो हाल हमने देखा वो शायद पहले इतना बुरा नहीं था, या शायद उन इलाकों में इस दफा ज्यादा था जिन इलाकों में शोर सबसे ज्यादा मचता है। तो इसकी वजूहत क्या है, ये जो आप इंक्रीज अर्बन फ्लडिंग देखी है हमने इस साल? देखिए, इस पे बात तो बहुत हो चुकी है। एक तो ये कहा जाता है और मुस्तकिल कहा जा रहा है, आपके सियासतदान ये कहते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं, आपके कुछ दानिश्वर भी ये कहते हैं कि ये सारी फ्लडिंग की वजह जो है ये वो नाले हैं जिन पे लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। ये कच्ची आबादियां हैं जो नालों पे बन गई हैं, और इनको हटा दो तो मसला हल हो जाएगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मेरे नजदीक सबसे बड़ा मसला यह है कि जो आपके आउटफॉल्स हैं समंदर में, जहां पानी जाके गिरता है, उन पे एनक्रोचमेंट्स बना लिए गए हैं और वो पानी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। और ये बेशतर कच्ची आबादियों ने नहीं बनाया। डिफेंस का फेज 7 की जो प्लॉटिंग है वो महमूदाबाद नाले को रोकता है, वो प्लॉटिंग, और वो नाला इतना पतला हो गया है प्लॉटिंग की वजह से कि जब बैक हाई टाइड होती है और बारिश भी साथ होती है तो पानी बजाय समंदर में जाने के वे वापस ऊपर नदी में जाता है, और इसकी वजह से बहुत बड़ा इलाका कराची का, जो महमूदाबाद है, चनेसर गोट है, PECHS एक्सटेंशन है, ब्लॉक 7 ये सारा का सारा जेरे आब आता है, और कई दिनों तक, हफ्तों तक वो पानी खड़ा रहता है। दूसरा आपका जो माई कराची बाईपास है, और इस पे तो हमने शुरू ही में वार्निंग दे दी थी जब ये बन रहा था, ये 3 नालों को रोकता है। एक पेचार नाला है जो डॉन के पीछे से होके आता है, एक सोल्जर बाजार नाला है, और एक रेलवे नाला है। इन 3 नालों को बिल्कुल तंग करके एक छोटे से नाले के जरिए समंदर में भेजा जाता है। उनमें स्विच चलता है, तो जब तक स्विच चलता है ठीक है, जब बारिश का पानी भी आता है तो ये पानी नहीं निकलता, आराम से आहिस्ते आहिस्ते रिस रिस के निकलता है। ये आपका दूसरी बड़ी रुकावट है। तीसरी रुकावट जो आपकी है वो नॉर्दर्न बाईपास की है, जो फ्लड प्लेन से बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो जो ये पानी सफर करता है शुमाल से मगरिब की तरफ, समंदर की तरफ, तो नॉर्दर्न बाईपास उसको रोकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इलाका जेरे आब आता है। वहाँ ज़रूरत है रस्तों की कि पानी निकल जाए। और ये जो आपका मसला है इसका नॉर्दर्न बाईपास की, इसका माइकोलाशी बाईपास का, ये पानी अगर आप निकालेंगे भी तो उसकी दूसरी तरफ इन्होंने मैनग्रोव्स पे कब्जा करके, इलीगली उसको ख़त्म करके, इन्होंने KPT ऑफिसर्स कॉलोनी बनाई है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनेगी अगर आप खोल भी देते हैं इसको। तो ये तो वो वजूहात है जो बिल्कुल सामने नजर आते हैं। इसमें और मसले भी हैं। ये जो शुमाल में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें से आपकी पेरिया टाउन भी है और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, इन्होंने खासे बड़े पैमाने पे जो आपकी ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस थी, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, पहाड़ियाँ थीं, डिप्रेशन थे, नाले थे, उन सबको बराबर करके बनाया है। बखुद तो
ये है कि बहरिया टाउन फ्लड नहीं करता, मगर उसका जो पानी है वो सारा फिर जुनूब की तरफ जाता है और उसका कोई इंतजाम नहीं है। पहले वो नालों के जरिए आता था और नीचे चला जाता था, वो नाले तो गायब हो गए, तो वो सारे इलाके में फैल जाता है। ये जो सादी टाउन डूबता है, इसकी बड़ी वजह ये तब्दीलियां हैं जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में की गई है। सूलन तो अब ये चाहिए कि इस पे पाबंदी हो कि हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन छेड़ेंगे नहीं, इसकी भी पाबंदी हो कि हम जमीन, ये जो आपकी माशिज है मैंग्रोव की, हम जमीन इनसे हासिल नहीं करेंगे, ये भी पाबंदी होनी चाहिए ताकि फ्लडिंग का जो मसला है इस पे काबू पाया जाए। अब आप लीजिए कलरी नाला जो मच्छर कॉलोनी के पास है, वहाँ जमीन जो है रिक्लेम की जा रही है समंदर से, KMC के ट्रक आते हैं, वो सारा कूड़ा समंदर में डाले जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते जमीन बच्चे बिक जाती है। अगर शहजाद आप प्लॉट खरीदना चाहें तो आप वहीं खरीद लीजिएगा जो ये डेवलपमेंट कर।